FATF के नाम पर होने वाली चोरी पकड़ी गई, हुकूमत मुल्क पर काला कानून मुसलत कर रही थी। वजीर आजम से कारकर्दगी का पूछने पर NRO का शोर मचाना शुरू कर देते हैं। हर कानून सियासी मुखालिफीन को सामने रख कर बनाया जा रहा है। लीग रहनुमा एहसन इकबाल के तब्दीली सरकार पर लफ्जी वार, बोले इमरान खान नौजवानों का नाम लेकर वरगलाते और मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाते हैं। आज महंगाई इस सतह पर है कि आम आदमी की चीखें निकल गईं। अवाम को जीने का हक तो NRO नौजवानों को दें जिनका मुस्तकबिल तारीख हो गया। तो फिर आप हमें कहते हैं कि जी ऑपोजिशन सियासत कर रही थी, नैब के कानून को ब्लैकमेल कर रही थी। किसी ने नैब के कानून को ब्लैकमेल नहीं किया। असल बात यह है कि हुकूमत की FATF के ऊपर चोरी पकड़ी गई है। हमने हुकूमत की चोरी पकड़ी है जो ये FATF के नाम पे कर रहे थे। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये वो कानून जो ये हुकूमत पास कर रही थी, जिसको डिफेंड नहीं कर सकी, जो कि भारत में मकबूजा कश्मीर के कानून से भी काला कानून पूरे पाकिस्तान पे नाफिज होने जा रहा था, जिसमें इकोनॉमिक टेररिज्म के हवाले से हर बिजनेसमैन, हर ताजिर, हर कारोबारी बंदा मुआशी दहशत गर्द बन के दुनिया भर के उसके वीजे कैंसिल हो जाते। आपसे NRO नहीं मांगा, हम अपने असूलों पर खड़े रहेंगे। पाकिस्तान के नौजवानों को NRO दे दो जिनका मुस्तकबिल गुल कर दिया है।